किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर भरोसा श्री कृष्ण पर हो तो केवल कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुविचार भाई दिनेश। एक बड़ी छोटी सी कहानी है जिसने लिखी है, वह बताते हैं। एक दिन मैं मथुरा से ट्रेन में बैठा, जैसे ही डिब्बे के अंदर घुसा तो एक महिला के रोने की आवाज़ आने लगी। जोर जोर से कोई रो रहा था, मैंने सोचा शायद कोई बात हुई होगी, कोई विवाद हुआ होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, जो ट्रेन थी वह स्टेशन को छोड़ चुकी थी, हॉर्न बज चुका था, ट्रेन रवाना हो चुकी थी। 10-15 मिनट बीतने के बाद भी आवाज़ बंद नहीं हुई तो मुझे लगा कि जाकर देखना चाहिए कि क्या बात हो गई। तो जाकर देखा, एक बूढ़ी महिला लगातार रोई आ रही थी, खिड़की के पास बैठी थी। मैंने मैया से पूछा, माता क्या बात हो गई, आप क्यों रो रही हो? मैंने बहुत जिद की, बताने का नाम नहीं ले रही थी। मैं लगातार पूछता रहा तो उन्होंने एक लिफाफा मेरे हाथ में रख दिया और कहने लगी, खुद ही देख लो। मैंने इस लिफाफे को खोला तो उसमें 4 पेड़े थे, 200 रुपये थे और एक कागज़ था जिस पर इत्र की महक आ रही थी। मैंने पूछा, माँ जी ये क्या है? तो वह और ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बताने लगी कि वह मैं वृंदावन में बांके बिहारी लाल जी के मंदिर गई थी, दर्शन करने के लिए बहुत देर तक लाइन में लगी रही। जब मेरा नंबर आया तो मैंने ठाकुर जी को प्रणाम किया, पुजारी को 200 रुपये दिए, पुजारी ने मुझे सिर्फ 1 पेड़ा दिया। मैं बाहर आकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कन्हैया को कोसने लगी और कहने लगी कि क्या करते हो आप? बेटा मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी ही थी तभी एक छोटा बच्चा आया, मुझसे कहने लगा, माँ जी ये लिफाफा है, संभाल कर रखो, मैं हाथ धोकर अभी वापस आता हूँ। बहुत देर तक उस बच्चे का इंतजार करती रही, वह बच्चा नहीं आया। बहुत खोजा तो मैंने उस लिफाफे को खोल के देखा तो उस लिफाफे में 200 रुपये का नोट था, 4 पेड़े थे और एक कागज़ स्परित की महक आ रही थी। इसे खोल के देखा तो उस पर लिखा था कि मैया छोटी छोटी बातों पर अपने लाला से नाराज़ ना हुआ करो। बहुत छोटी सी कहानी है, इसका सार ये समझाता है कि आपने सच्चे हृदय से श्री कृष्ण की भक्ति की है, सच्चे हृदय से उनका नाम लिया है तो उनकी कृपा पर अवश्य बरसेगी। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी? यदि हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करने के साथ साथ हमारे इस चैनल सुविचार भाई दिनेश को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। राधे राधे।